बिहार में सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग रख दी है, जिसके बाद जेडीयू के नेताओं के ऊपर माथे पर कह सकते हैं कि बल आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि राजद ने नीतीश सरकार से कहा है कि विधानसभा में राजद के 75, बीजेपी के 74 एवं जदयू के विधायकों की संख्या 43 है। बावजूद इसके तीसरे नंबर की पार्टी जदयू को प्रदेश कार्यालय के लिए सबसे अधिक सार्वजनिक स्थान प्राप्त है। सबसे बड़े दल के लिए जदयू की जमीन के मुकाबले मात्र 30% तथा भाजपा के मुकाबले 37% सरकारी स्थान दिया गया है। यह न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। इस पूरे मामले पर जब भवन निर्माण मंत्री से इसी मुद्दे को लेकर के सवाल पूछे गए हैं तो क्या कुछ कहा है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने, वो आपको सीधे सुनाते हैं। 20,000 स्क्वायर फीट में है, जबकि आपका जो कार्यालय है वह करीब 60,000 स्क्वायर फीट में है। उन्हें भी जमीन मुहैया कराई है, जबकि वो मतलब सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि 2005 के पहले इस राज्य में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास या कार्यालय देने का प्रावधान नहीं था। 2005 में राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, निर्णय किया, और उसमें राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को कार्यालय दिया गया। उस निर्णय के बाद जब कार्यालय दिया गया था तो उस समय जदयू के पास 88 एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 55 थे और आरजेडी के पास संख्या कम थी। जब ये कार्यालय का आवंटन हुआ था उस समय आरजेडी के पास जो संख्या थी वो 54 थी। कार्यालय मिला सबको, अब हमको भी कार्यालय मिला। हमने तो उस समय, हमारा तो ऐसा नहीं था कि हम 88 थे, मेरी संख्या ज़्यादा है तो हमने बड़ा कार्यालय ले लिया। ये तो कोई निर्णय का नहीं है, क्योंकि हर 5 वर्ष में राजनीतिक दल चुनाव में जाता है और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ये तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को देने का प्रावधान किया गया था, उसमें मिला था। अब हमारे यहाँ क्योंकि जदयू में हमारे जो भवन जर्जर थे तो हम लोगों ने उसको अपने में मिलाया है, ठीक है। अब है क्या कि लोजपा को भी भवन है, लोजपा की संख्या बहुत घट गई तो उनका हम भवन कम तो नहीं कर सकते हैं, या कल उनका बढ़ जाएगा तो हम एयरपोर्ट तो इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस जमीन के बारे में पत्र उन्होंने लिखा है वो ऑलरेडी पटना उच्च न्यायालय को वो मार्क्ड है, और पटना उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी उस पर इंस्पेक्शन करके उस भवन को गिरा के नए भवन को निर्माण करने के लिए, प्राकलन बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए किया हुआ, वो पहले इनके पत्र आने के पहले गया हुआ है ऑलरेडी लॉ में, तो वो हम जमीन इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये आरोप लगाना कि हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमको ज़्यादा दीजिए और आप हमसे छोटी पार्टी हैं इसलिए आप कम लीजिए, ये हमको लगता है कि आधार उचित नहीं। और जगदानंद बाबू लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, उनके साथ भी हम काम किए हैं, बड़ा अनुशासित और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनको भी पता है कि कानून के प्रावधानों का क्या है। अब ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना तो एक अलग राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने कोई, और हमारे नेता तो इन सब चीज़ों में बहुत उदारवादी हैं,